भाई ने एक कमेंट किया है, मेरा मोबाइल रेडमी नोट 7 प्रो है और इसमें वॉइस चेंजर कैसे करें, ये कमेंट किया है। आप भी इस तरह से कमेंट कर सकते हैं और इसका कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं भाई का। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, गेम ओपन जैसे ही आप करते हैं तो आपको गेम में जो है वॉइस चेंजर का ऑप्शन रेडमी नोट 7 प्रो में नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इसको आप जो है यहाँ पर कैसे ला सकते हो, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो तो एंड तक देखने रहना। तो देखो गाइस, यहाँ पर जैसे मैं अपना गेम टर्बो इसमें ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है गेम टर्बो वॉइस चेंजर का ऑप्शन, ताकि हम गेम में जो अपना वॉइस चेंज हम कर सकें। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में, और ये क्यों नहीं मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेटिंग में आप जाओगे और अबाउट फोन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये अबाउट फोन है, और अबाउट फोन में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास रेडमी नोट 7 प्रो है, 6 GB रैम है, और आप यहां पर देख सकते हो मेरा स्पेस और मोबाइल का। तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर अपडेट क्या है। अपडेट तो मैं हूँ 12.5 इस तरह का अपडेट है। तो ये इस अपडेट में किसी को भी नहीं मिला है वॉइस चेंजर का ऑप्शन, और किसी को भी नहीं मिल सकता है, मैं बताता हूं। तो जब आपका जो 13 अपडेट आ जाएगा, मतलब कि मोबाइल में रेडमी नोट 7 प्रो में, तो आपको मिल जाएगा गेम टर्बो वॉइस चेंजर। जैसे मैं आपको सर्च कर देता हूँ गेम टर्बो, और गेम टर्बो यहाँ पर मिल चुका है, देखते हैं। और इस पे स्टार्ट प्लाइविंग करते हैं ऐड करने के बाद। जैसे फ्री फायर मैक्स है मेरे पास, तो जैसे ही मैं ऐड और यहाँ पर ओपन करता हूँ गेम, और कोने में से इसे स्लाइड करता हूँ, तो देखो यहाँ पर नहीं मिलता है देखने को। तो आप कोई भी इसमें नहीं कर सकते हो जब तक आपका जो है 13 अपडेट नहीं आने वाला है, तब तक आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपका 13 अपडेट आ जाएगा तो आपको जो है वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपको मोबाइल को रूट करना पड़ता है। तो रूट करने के लिए आप जो है वीडियो सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें।